क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे दोस्तों, सबको जय यीशु। यूहन का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 5, मैं दाखलाता हूँ और तुम डाली हो, जिसमें जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही अधिक फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, हम सभी लोग हमारे युवावस्था में हम एक चीज़ हम सबसे अधिक सोचते हैं, चिंता करते हैं, हम किस तरह सफल होगा या अपने सक्सेस की ओर या अपने गोल की ओर, अपने एम की ओर हम बढ़े, जो हम अपने मन में बनाए रखें। हम अपने भविष्य के लिए एक लक्ष्य अपने मन में बनाए रखें, जो गोल, उसके लिए हम पढ़ाई करते, उसके लिए प्रयत्न करते, उसके लिए दिन रात मेहनत हम करते हैं। और इसके गाइडनेस के लिए, हमारे उन्नति के लिए, मैं हम केवल नहीं, हम यूथ लोग केवल नहीं, बल्कि हमारे गुरुजनों भी इसके लिए हमें सलाह देते, हमें मदद करते अपने शब्दों द्वारा। हमारे टीचर्स, हमारे गांव बस्ती के लोग, हमारे पेरिस के फादर्स लोग, सिस्टर लोग, बहुत सारे लोग, और हमारे कई प्रकार का ऐसा मोटिवेशन कैंप चलाने वाले लोग, और YouTube में भी कई प्रकार का ऐसा मोटिवेशन का वीडियो मिल जाते हैं, जो हम सभी यूथों को किस तरह हम सक्सेस होना, क्योंकि हम सभी लोग उसी के पीछे हम दौड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सफलता प्राप्त करना, क्योंकि बाइबल भी यही सिखाता है कि जवानी से ही युवकों को अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाना सीखना है, ये बाइबल ही सिखाता है। लेकिन जो गुरु, इस संसार का गुरु जो हमें सिखाते हैं, जो सफलता का मार्ग हमें दिखाते हैं, बताते हैं, जो हमारा गुरु, हमारे टीचर्स और अनेक लोग मोटिवेशन कैंपों के द्वारा हमें प्रोत्साहन देते हैं, हम सभी यूथों को कि आगे बढ़ना, उन सबों का गुरुओं का गुरु, उनको जो जिस गुरु ने उनको ये बुद्धि प्रदान किया, जिसने वो ये उसको जो मार्ग दिखाया, जिनके कारण वे सफलता प्राप्त किए, जिनके कारण वो हम सभी यूथों को शिक्षा देता है, वो गुरु हमें भी ये कहता है कि हम सफल होना, हम यूथ लोग सफलता के सीढ़ी की ओर बढ़ना, हम भी आगे बढ़ना, हम भी उन्नति करना, हम भी सफलता, वो गोल, वो एम जो हम अपने मन में बनाए रखें, उसे प्राप्त करना। लेकिन वो कैसा प्राप्त करना, उसके विषय में कहा, मैं दाखलाता हूँ, तुम डाली हो, जो मुझ में रहता है और मैं जिस में रहता हूँ वही अधिक फलता है। ये है, सभी जितने संसार में जितने गुरु हैं, हमें सिखाया है, सिखाते हैं हमारे मोटिवेशन के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, उनका गुरु, सभी मनुष्य जाति का गुरु, बुद्धि प्रदान करने वाला गुरु, वो कहता है मुझ में रहो तो तुम सफलता प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं दाखलाता हूँ। बाइबल कोलोसे का नाम पत्र अध्याय 3 में वचन 3 का वचन 3 में कहते हैं, मसीही हमारा जीवन है, मतलब मसीही ईसा मसीही हमारा जीवन है, हम उसी से जुड़े हुए, हमारा जीवन, अस्तित्व, गति, सब कुछ ईसा मसीह में निहित है, हमारा भविष्य, हमारा सब कुछ, हमारा गोल, हमारा एम, सब कुछ ईसा मसीह में निहित है। इसलिए यीशु मसीह भी हमें सिखाता है कि वो कि मुझ में रहो और तुम फल उत्पन्न करेगा, ना केवल प्रभु में हम रहना काफ़ी है, बल्कि प्रभु भी हम में रहना जरूरी है, जिससे हम उन्नति कर सकता है। हम कई लोगों को हम देखे हैं, मैं खुद अपना जीवन में, हम जब प्रभु को नहीं जानता था, दर बदर हम भटकते फिरते थे, काम के लिए, इधर काम थोड़ा करेगा, उधर काम करेगा, कभी सक्सेस को भी कुछ सफलता नहीं प्राप्त करता था मैं। घर में भी माता पिता बोलते थे, तुम कुछ भी कहीं भी टिक नहीं सकेगा, तुम कुछ काम कर नहीं पाएगा। लेकिन प्रभु ने मुझे चुना, प्रभु का साथ में जुड़ा, प्रभु का साथ, हाथों में हाथ अपना दिया, प्रभु के जीवन में जीवन अपने आप को समर्पित किया, आज मेरा जीवन परिवर्तन है।
मैं जो गोल की ओर, मैं जो नहीं सोचा था उसकी ओर, प्रभु ने जो मेरे लिए निर्धारित किया, जो एम, जो सफलता हर कार्य में प्रभु मुझे दिया, भौतिक में, आर्थिक में, मेरे शारीरिक में, आत्मिक में, सब कुछ में, बुद्धि के क्षेत्र में, सब कुछ में उन्नति प्रभु ने दिया। इसलिए जब हम उससे जुड़े रहेंगे, हम उन्नति करेंगे। उसका नाम इमानुएल है। इसाईस ग्रंथ में इमानुएल का मतलब विजयी, विजयी, ईश्वर विजयी है। जब वो विजयी ईश्वर हमारे साथ होता है, तो हम भी हर कार्य में, हर क्षेत्र में हम विजयी होगा। हम कभी हारेगा नहीं। पढ़ाई के क्षेत्र में हम जो कुछ भी कार्य करेगा, कभी वो हारने नहीं देगा, क्योंकि इमानुएल नया विधान में, इमानुएल का विषय में, वो हमारे साथ है। वो विजयी ईश्वर, वो कभी हारने वाला ईश्वर नहीं, वो विजयी ईश्वर सदा हमारे साथ है। स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। इसाईस का ग्रंथ 41:10, प्रभु ने कहा, मैं विजयी हूँ, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुमको संभालूंगा। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है, प्रभु विजयी ईश्वर है, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए जब हम उसका साथ रहते हैं, हम भी हर क्षेत्र में, हर कार्य में हम विजयी प्राप्त करेगा, सफलता हम प्राप्त करेगा। इसलिए मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे युवक युवतियों, हम प्रभु से जुड़ जाए, प्रभु से एक हो जाए, तब हम देखेंगे विजयी का महोत्सव हम मनाएंगे। जिस तरह युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन के संघर्ष में हम भी विजयी होंगे। जीवन के संकटों में, परेशानियों में, टेम्पटेशन में, डिप्रेशन में हम विजयी होंगे। इसलिए आइए हम सभी यूथ, हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु के साथ हम जुड़ जाए, प्रभु के साथ एक हो जाए, क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे जुड़े, उसको प्यार करें, उसके साथ रहें। इसलिए तो उसने हमें बनाया है, हमें चुना है। इसलिए आइए हम सभी लोग उनके साथ एक हो जाए, एक मन, एक हृदय होकर प्रभु की आराधना, प्रभु की स्तुति करते हुए उनके साथ हम एक हो जाए। जय यीशु।